यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे स्टक हैं। हमें कहा गया था कि आप लीव स्टेशन पे पहुंचे, यहाँ से आपको हम लेके जाएंगे बॉर्डर की तरफ। लेकिन हम जब यहाँ पे हम पहुंचे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि बॉर्डर क्लोज है, कभी कुछ हो गया। यहाँ पे कोई एम्बेसडर नहीं है, किसी ने हमें रिसीव नहीं किया और ना हम भूखे हैं। तीन दिन से हम भूखे हैं, ना हमने कुछ खाया पिया, किसी के पास पैसे भी नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं। लीव आए हैं, यहाँ से हमारे ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया गया। इवन हम यहाँ पे आए भी अपने एक्सपेंसेस से हैं। एक कैबिनेट का हमने $200 पे किया है, सब बंदे ने पर हेड पे किया है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमें कहा गया था कि बसेस का इंतजाम है, कोई एक बस नहीं है, यहाँ पांव रखने तक की जगह भी नहीं और खाने का तो बिल्कुल इंतजाम नहीं है। हालांकि हम तीन दिन से भूखे बैठे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा सख्त मुश्किल में, हौसले जवाब देने लगे लोग, बेहोश होने लगे, पैसे खत्म हो गए, तीन दिन से कुछ नहीं खाया, ट्रेनों में जगह नहीं, जाए तो जाए कहाँ, कोई तो आए हमें यहाँ से लेकर जाए, तलबा की दुहाइयाँ। पाकिस्तानी सिफारतखाने अफसर जाने कहाँ है जो सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। जी माशाल्लाह पाकिस्तानी इवैक्यूएट हो रहे हैं यहाँ से, अभी ऑलमोस्ट ये सब नेशनलिटीज के जो है ना बच्चे इवैक्यूएट कर रहे हैं। There's been shelling, bombing, there is no place to hide, there is no food to eat. डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन जाने वाला जैन कीस में फंस गया। समा टीम जैन की आवाज आला हुकाम तक पहुंचाने उनके घर पहुंच गई। बेवा माँ इकलौते बेटे की वापसी के लिए सख्त परेशान। अपनी मदद आप करके जैसे तैसे करके और हालात देखते हुए वो जो हैं वो अभी लिविव पहुँचे हैं, लेकिन वो किस तरह से पहुँचे हैं बहुत ही सिचुएशन ख़राब है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, बॉर्डर तक पहुँचना उनके लिए मुश्किल हो गया है। 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, जिसमें ना सिर्फ उन्हें मुँह की खानी पड़ी बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में हजीमत उठाई। 27 फरवरी पाकिस्तान की फतह का दिन, शाहीनों ने मक्कार दुश्मन के दांत खट्टे किए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, दो भारतीय तैयारों के परखचे उड़ाए, अभिनंदन को गिरफ्तार करके फैंटेस्टिक चाय पिलाई और फिर अंग पसंदी का सबूत देकर कहा जा अभिनंदन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 3 साल मुकम्मल होने पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का पैगाम, कहा पाकिस्तान की मुसल्ला फौज ने भारत के नाकाम मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया, कामयाबियां इस बात का सबूत है कि किसी भी मुश्किल में सिर्फ हथियार या तादाद ही नहीं, कौम का आजम और मुसल्ला फौज की ऑपरेशनल तैयारियां ही कामयाबी की जामिन होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। We gave them a bloody nose and it is still hurting. न्यूजीलैंड देख लो, इंग्लैंड तुम भी सुन लो, पाकिस्तान महफूज है। वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम तारीखी दौरे पर शाहीनों के देश आ गए। टीम ऑस्ट्रेलिया चार्टर तैयारे से सुबह सवेरे इस्लामाबाद पहुंची। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, खिलाड़ी 2 रोज बायो सिक्योर बबल में रहेंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर ट्रेनिंग की इजाजत मिलेगी। 24 साल बाद पाकिस्तान आने वाले कैंगरूज 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलेंगे। पहला टेस्ट 4 मार्च को रावलपिंडी में शुरू होगा। कैंगरूज कप्तान पैट कमिंस पाकिस्तान आकर खुश, कहा हम 24 साल बाद पहले दौरे से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम का तारीखी दौरा, PCB ने 1998 में शाहिद आफरीदी की कैंगरूज के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस की वीडियो शेयर कर दी। शाहिद आफरीदी ने इसे यादगार लम्हा करार दिया। डेब्यू टेस्ट में लाला ने 5 शिकार किए थे। कलंदर्स या सुल्तान, लाहौर या मुल्तान, किसकी बढ़ेगी शान, फैसले की घड़ी आ पहुंची। दोनों टीम्स फाइनल मौके में आज कदाफी स्टेडियम में आमने सामने आएंगी। फातेह टीम को 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, रनर अप टीम 3 करोड़ 20 लाख रुपए की हकदार ठहरेगी। रूसी फौज की यूक्रेन पर यलगार का 4th रोज आसमान से बमों की बरसात, हर तरफ तबाही के मनाजिर। दार हुकूमत कीव में पीर तक कर्फ्यू नाफिज, सड़क पर नजर आने वाले हर शख्स को रूस का मददगार समझा जाएगा। यूक्रेनी सदर के मुशीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूसी फौज के कदम रोक दिए हैं, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा, हम लड़ते रहेंगे, दुश्मन को मौका नहीं देंगे। झड़पों में 3,500 रूसी फौजियों को हलाक या जख्मी करने का दावा। जर्मनी का यूक्रेन को 1,000 टैंक और 500 स्टिंग मिसाइल देने का ऐलान। यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए जाएं, क्रेमलिन का हुक्म।
केस में ऑयल डिपो तबाह कर दिया गया। यूक्रेन ने मुतालबा किया है कि रूस की वीटो पावर खत्म कर दी जाए। यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका ने रूस के बैंक्स पर मजीद पाबंदियां लगा दी। यूक्रेनी सदर पुराजम कहा, रूस पर फतह पाएंगे, हम अपनी जमीन और आइंदा नस्लों का दिफा कर रहे हैं, इत्तेहादी मदद के लिए आगे आए। लिथुआनिया ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की एक खेप भेज दी। तुर्की की रूस और यूक्रेन को सालिसी की पेशकश। धमाकों की गूंज में शादी और फिर जंग की तैयारी। यूक्रेन की 21 साल की यारीना और सोवियतोस्लाव में इतनी मोहब्बत थी कि 6 मई को होने वाली शादी जंग की वजह से पहले कर ली। वतन की खातिर साथ लड़ने और मरने को तैयार। ईरान को हटाना है, पाकिस्तान को बचाना है। अगर वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे तो ना हमारा एहतजाज की जरूरत पड़ेगा, ना ही हमारा अदम एतमाद का जरूरत पड़ेगा। आप इख्तदार छोड़ दें, हम एहतजाज छोड़ देंगे। हुकूमत गिराने का मिशन लेकर जियाले आज घरों से निकलेंगे। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए पूरी तरह तैयार। बिलावल भुट्टो कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे तो इमरान खान बच नहीं पाएंगे। फौरी तौर पर साफ शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। आसिफ जरदारी ने आवाम से लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने की अपील कर दी। पीपल्स पार्टी के मार्च की तैयारी। मजार कायद पर जारी सिंध में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जियाले भी शहर शहर इस्तकबाल के लिए तैयार। बिलावल कुछ देर बाद लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे। समा की शानदार कवरेज टीम लम्हा ब लम्हा खबर देने के लिए तैयार। जियालों से पहले खिलाड़ी सड़कों पर। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च दूसरे रोज में दाखिल। काफिला सखर से रवाना। मार्च जब रात गए सखर पहुंचा तो शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और दीगर कायदीन इमरान खान के धरने वाले कंटेनर पर सवार थे। शाह महमूद कुरैशी बोले, ये कंटेनर सिंध के हुक्मरानों को उलट कर जाएगा। महंगाई दुनिया में होती है तो असरात पाकिस्तान पर पड़ते हैं। वज़ीर आज़म कौम को समझाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, आवाम खुश हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने रेहम खान को हर जाने का नोटिस भेज दिया। लिखा, आपकी किताब के मुसव्वदे का हवाला देकर मुराद सईद पर बहुतान तराशी की गई, 14 रोज के अंदर तहरीरी वजाहत करके माफी मांगी जाए। लाहौर के नवाब टाउन में मियां बीवी और कमसिन बच्ची का कत्ल। तीनों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। खातून और शोहर के हाथ पांव बंधे हुए थे। क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक माहिरीन तलब। इंतजार कीजिए और ट्रेन को जाने दीजिए। रेलवे फाटक पर एहतियात हादसात को रोक सकती है। इस पैगाम को नजरअंदाज करने की वजह से गुज़िश्ता बरस 87 हादसात हो चुके। और नथिया गली में जमशुदा कबायली अजला के तलबा के लिए फेस्टिवल शुरू। बर्फ मेले में तलबा और तालबात की ट्यूबिंग और जिप लाइनिंग के मजे।